सूचना की एजेंसियां हैं, इन्होंने भी अपनी गतिविधि को और टाइटन करने का फैसला भी बनाया है, रणनीति भी करी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी ये घटना करी है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कम समय के अंदर नसीहत करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर कोर्ट के सामने खड़ा करेगी। इसके साथ साथ जम्मू क्षेत्र की पूरी सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए जो एक्शन प्लान बना है ये टाइम बाउंड है और 3 महीने के अंदर हर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का आज फैसला हुआ है। मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। धन्यवाद। कोई पूछना चाहता है क्या? बता दीजिए। नहीं, इसको ये घटना के साथ मत जुड़िए। ये फैसला अगस्त अंत में लिया गया है, भारत सरकार ने अगस्त अंत में ही ये फैसला दिया था कि विलेज डिफेंस कमेटी को मजबूत किया जाएगा। सर, ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, लगातार एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। घाटी में भी हाइब्रिड टेररिज्म जो है वो एक नया बनक के आ रहा है, जहां पर टेररिस्ट का कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उन्हें हथियार देकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज पे टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो सर, इसके सिलसिले में क्या क्या डिसीजन लिए गए, कुछ बता पाएंगे सर? स्पेशली ड्रोन का जो थ्रेट है उसे टैकल। सरदार जी, डिसीजन अगर मैं बता पाऊंगा तो उनके लिए क्या बचेगा भैया? क्या सवाल पूछ रहे? सर, जो विक्टिम फैमिलीज हैं कई आतंकी घटनाओं में जो शिकार होती हैं, जैसे राजौरी में भी हुआ, इसी तरह से पहले कश्मीर में आगे टीम से जो शिकार हुई, तो उनके लिए किस तरह से वो उनकी लाइफ बेटर हो पाई? क्योंकि राजौरी वाले इंसिडेंट में काफी जो फैमिलीज हैं वो उनकी हालतें ज्यादा लो लेवल की, तो उनके लिए क्या कह रहा? नहीं, हर स्तर पर, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे रजौरी हो, चाहे पूंछ हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, जो विक्टिम फैमिलीज है इसके साथ सरकार बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। इसकी प्रस्तावित योजनाएं हैं और योजनाओं के ऊपर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत सारे अधिकार होते हैं। कई योजनाएं स्पेसिफिक किस्सों में अप्लाई नहीं होती है, कुछ मर्यादाएं आती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन डिसाइड, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बड़े संवेदनशीलता से और सम्मान के साथ इनके परिवार की सभी चिंता की जाएगी। What is the security situation post these human attacks in Rajouri and Poonch in Jammu? देखिए, अगर आप इस तरह से स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने पूरी व्यवस्था की है और सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। एक घटना के आधार पर या कुछ आंकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। मूल्यांकन करना है तो जब से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हुआ है, जन्म लिया टेररिज्म ने, तब से लेकर आज तक धारा 370 हटाने के बाद ये 3 साल में सबसे कम घटनाएं भी हुई है, सबसे कम मृत्यु भी हुई है। अब क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि ना आज स्टे बैक नहीं करूंगा क्योंकि कल भी मौसम के हालात 3 दिन तक ठीक नहीं बताए जा रहे हैं, मगर मैं जरूर आऊंगा और उनको मिलूंगा। थैंक यू।
बता दीजिए आप अंतिम। सर, जिस तरह से पिछले 3 सालों में हमारे सुरक्षा बल जो है आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले चंद सालों में आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर में इसका आखिरी पड़ाव है? हमारा प्रयास तो यही है और आंकड़े अगर आप देखेंगे तो इसी दिशा में जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है और सभी दृष्टि से आतंकवादियों के हताहत होने की संख्या, नागरिकों को मरने की संख्या, तो आतंकवादियों को हताहत होने की संख्या बढ़ी है, नागरिकों के मरने की संख्या कम हुई है। और जो माइनॉरिटी किलिंग की बात करते उसमें भी सबसे कम आंकड़ा यही 3 साल में। धन्यवाद।